क्रिप्टो के अंदर जो मेजर रोल निभाने वाला है यूएस का इलेक्शन, वो होने जा रहा है कल की तारीख में 5 नवंबर को जो है यहाँ पे यूएस इलेक्शन होने जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है यहाँ पे लीड ले रखी है कमला हैरिस के खिलाफ में, बट यहाँ पे जो है ये चीज चेंज भी हो सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे जीतते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कोई डाउट नहीं है कि मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, मगर अगर यहाँ पे अगर कमला हैरिस जो है यहाँ पे विन कर जाती है डोनाल्ड ट्रम्प को हरा के, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो हम लोग को हल्का सा डंप देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो डंप है ये ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा और उसके बाद से जो है मार्केट अपना दोबारा से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे चाहे जो जीते, कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रम्प जीते, बिटकॉइन को जो है 1 लाख जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है बुल रन का सीजन है और यहाँ पे लगातार बाइंग हो रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। यहाँ पे आप देखो कि ईटीएम ने जो इस वीक में जो है पिछले वीक में 2.27 बिलियन का यहाँ पे बिटकॉइन जो है बाई किया है, तो ये लोग ऐसे ही बाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबा सोच रखा है बिटकॉइन का। तो चाहे जो भी जीते यहाँ पे इलेक्शन, बिटकॉइन का जो है और यहाँ पे बुल रन तो आना ही है। अब यहाँ पे करेंटली जो हम लोग मार्केट का हाल देख लेते हैं, तो बिटकॉइन जो है अभी फिलहाल में 68,700 डॉलर्स के ऊपर पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो है अगर कमला हैरिस जीती है तो एक फ्लैश हम लोग को 3-4 हज़ार का डम देखने को मिल सकता है यहाँ बीटीसी के अंदर में। तो अभी जो है हम लोग को यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है और जितना हो सके स्पॉट के ऊपर पे हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे लगभग अपने बॉटम के ऊपर ही सारे कॉइन्स जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है आपको इसके अंदर में एंट्री लेने का मार्केट के अंदर में। यहाँ ओवरव्यू में अगर हम लोग जाके देखते हैं तो करंटली जो है फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 53 पे है, जो कि न्यूट्रल को यहाँ पे बताता है। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट देखे क्रिप्टो कैप मार्केट कैप तो डॉलर 2.25 ट्रिलियन का है। यहाँ पे इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं बीटीसी के डोमिनेंस को ये लगातार जो है यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। यही कारण है कि जिस तरीके से हम लोग का जो है इसके इंक्रीज होने की वजह से ही ऑल्ट कॉइन्स में जो है हम लोग को ब्लीड देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग को यहाँ पे ऑल्ट सीजन चाहिए तो यहाँ से जो है इसको रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आना होगा, तभी हम लोग को जो है वहां से ऑल्ट सीजन हम लोग को ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो तब भी घबराने की बात नहीं है, इसका मैक्स स्टॉप हो सकता है 64 to 65 तक हो सकता है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर डोमिनेंस बढ़ती है और पैसा जो है बिटकॉइन के अंदर ही आएगा और वहां से अगर फ्लो होता है ऑल्टकॉइंस के अंदर और यहाँ से अगर डोमिनेंस गिर जाती है तो हम लोग के काफी बड़ा जो है ऑल्ट सीजन देखने के लिए भी यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे जो हम लोग एक और चार्ट को देख लेते हैं जो कि है यहाँ पे बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे देखे तो बीटीसी ने जो है वीकली में जो है हम लोग को 68,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न को यहाँ पे शो करता है बीटीसी के अंदर में। तो ये जो फेस है हम लोग बुल रन के अंदर तो है लेकिन फील नहीं हो रहा, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द लोग ऑल्ट कॉइन्स को ही लेके बैठे हैं यहाँ पे। तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो भी बढ़ेंगे लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है नेक्स्ट 6 to 8 months के लिए, वहां पे जो हम लोग को ऑल्ट सीजन के अंदर मैक्सिमम गेन कैप्चर करने का चांस मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जो है इस वाले चार्ट को देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे यूएस इलेक्शंस के बाद में। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे जो 2012 का जो है यहाँ पे यूएस इलेक्शन के बाद से जो है मार्केट के अंदर क्या होता है कुछ इस तरीके से जो है हम लोग को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यही सेम चीज जो है आप यहाँ भी देख सकते हो 2016 के अंदर में ये चीज, उसके बाद से सेम चीज जो है हम लोग 2020 में भी इस चीज को हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे जो है हम लोग का 2024 का जो है यहाँ पे यूएस इलेक्शन जो है यहाँ पे है हम लोग, तो अब इस पैटर्न के हिसाब से जो है हम लोग का यहाँ से जो है एक सीजन स्टार्ट होगा इन लोग यहाँ पे बुल रन का। तो इस चार्ट के हिसाब से जो है हम लोग काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं यहाँ पे ऑल सीजन के। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो इस वीक में होने वाले हैं, और ये सारे इवेंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बुल रन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए ट्यूजडे के दिन मतलब कि कल के दिन में जो है यहाँ पे यूएस इलेक्शन होने वाला है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा जो कि हम लोग को ये भी कल के दिन में देखने को मिलेगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा जो कि थर्सडे के दिन यहाँ पे आएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सबसे मेन यहाँ पे जो है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये चीज भी है हम लोग को थर्सडे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से जो है यहाँ पे 5th और 6th में देखिए MI कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा जो कि यहाँ पे फ्राइडे को होगा, और यहाँ पे जो है कंपनी जैसे 50% ऑफ S&P 500 कंपनीज जो है वो अपना अर्निंग को जो है यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये वीक काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है, तो इसकी वजह से जो है मार्केट में काफी ज्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लेवरेज ट्रेडिंग से बिल्कुल बच कर रहना है, क्योंकि अगर आपके पास अगर पैसा रहेगा तो उसके थ्रू जो है आप लोग अच्छे से पैसा कमा पाओगे, एक बार लिक्विडेट हो गए तो पैसा आपका चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ओवरऑल देखें
तो आपके अगर पैसा है तो आप लोग डीसीए करिए, अगर नहीं है तो सिंपली होल्ड करके यहाँ पे बैठे रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम लोग को जो है बुल रन देखने को मिलने वाला है। और आज के लिए बस इतना ही अपडेट्स हम लोग देंगे, बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।